الحمد لله الذي هدانا صبع الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاه والسلام على من ارسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى اله واصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रबिश सदरी वयसिकली अमरी वाहलोलोकमिलसानी यफ़ो कौली बाबुलिल अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी व जामिया अनवारिया हैदराबाद इंडिया के जेर अहतमाम नूरल अनवार का दर्स बेफल ही ताला जारी है आज का दर्स व रब्यो फ़ी मारफ़त व जूहलवकूफ अलमुरा ये मतन की इबारत है मतन की इबारत की शार शर करेंगे मगर उससे पहले दो चंद मिनट मैं अपनी तरफ से इसकी तशरी करना चाहता हूँ समाप्त फरमा है वर्राब यानी चौथी तकसीम किसके बयान में है फी मार्फत तुर के वकूफी मुश्त अला मुराद नज़्म चौथी तकसीम मुशत के नजम की मुराद पर मुज़तहिद के चौथी तकसीम मुज़तहिद के नज़म की मुराद पर वाकिफ होने के तुरुक की मार्फत मैं नजम की मुराद यानी मुज़तहिद के अहकाम नजम की मुराद यानी अहकाम पर वाकिफ होने के तुरुक की मार्फत पर के मुज्तहिद नजम की मुराद यानी अहकाम पर किस तरीके किस किस तरीके से मुज्तहिद वाकिफ वाकिफ होता है कहते हैं मुज्तहिद के नजम की मुराद पर वाकिफ होने के तुरुक की मार्फत में यानी अह नज़म की मुराद यानी अहकाम कि ये नज़म मुराद पर कि ये नजम मुराद पर किस तरीके से दाल है ये नज़म ये कलाम मुराद पर ये कलाम हुक्म पर किस तरीके से दलालत कर रहा है किस तरीके से यानी इस कलाम की मुराद पर इस कलाम की हुक्म पर किस तरीके से दलालत हो रही एबारा के तरीके से दलालत हो रही है या इशारा के तरीके से दलालत हो रही या इकतज़ा के तरीके से दलालत हो रही है या दलालत के तरीके से दलालत हो रही है आप कहेंगे ये वकूफ़ तो मुश्त के सिफ़ात में, में।, तो में से है मगर इसके जवाब हम यूँ कहेंगे कि जब ये अकसाम मारफ़त इनके मानी पर मार्फत वकूफ़ के बग़ैर फ़ायदा दिखा नहीं देते तो इन अकसाम को किताब के अकसाम में मजाजन शुमार कर लिया गया और ये चार हैं क्या क्या बे इसदलाल बबारतिननस बे बशारतिननस इसतल बद दलालतिनस इसतल बकतज़ान्नस यानी चौथी तकसीम से हासिल होने वाली किस्में भी चार हैं क्यों चौथी तकसीम से हासिल होने वाले अकसाम भी चार हैं और वो इबारा इशारा दलाला इक्तजा यानि इसतदल बबारतनसितदलाल इस इस बेषारातनस इस्तलाल बलाल तनस इसतल बक्तजास चार हैं ये चौथी तकसीम के इन चार किस्मों में हैं मुनसर होने की दलील ये है कि मुस्दिल देखना पड़ेगा इसदलाल करने वाला जो एक हुक्म पर इस्तलाल कर रहा है इस्तलाल करने वाला अरबी जबान में बोलिए मुस्तदिल एक हुक्म एक माना मुस्तद एक हुक्म और एक माना एक मुराद पर जो इसदलाल कर रहा है तो आप ये देखिए कि मुस्तदिल किसी भी हुक्म पर जो इसदलाल कर रहा है वो नज़म कलाम लफ्ज़ से इस्तलाल कर रहा है या नज़ कलाम और लफ्ज़ के मानी से इस्तलाल कर रहा है इस बात के ऊपर नजर रखिए। तो और कहेंगे कि चार किस्मों में मुन, मुनहसर होने की दलील ये है कि मुस्तदिल या तो नज़म से इस्तदलाल करेगा अगर नज़म से इस्तदलाल कर रहा है और हाल ये है कि वो नज़म जिससे वो इस्तदलाल कर रहा है वो नज़म उसी माना के लिए लाया गया है तो ये इबारतुन नस है तो ये नस है तो अल्लाह ताला का कौल अलब वम रबाब और रबा में फ़र्क के सिलसिले में नस है क्यों नज़म से इस्तलाल कर रहा अहल्लाब वम रबा और नज़म से जिस हुक्म पर इस्तलाल कर रहा है ये नज़म इसी हुक्म के लिए लाया भी गया है तो ये इबारतुलनास है नज्म से इस्तेदलाल कर रहा है मगर नज्म इस हुक्म के लिए लाया नहीं किया है ये हुक्म नज़म से मकसूद नहीं है मुस्तदिल नजम से इस्तलाल कर रहा तो दो हाल से खाली नहीं नज़म से जिस हुक्म पर इस्तलाल कर रहा जिस माना पर इस्तलाल कर रहा नजम उस माना के लिए लाया गया है या नहीं लाया गया है वो माना नजम से मकसूद है या नजम से मकसूद नहीं है अगर नजम उस माना के लिए लाया गया है और वो माना और हुक्म नज्म से मकसूद है नजम उसी के लिए चलाया गया है तो ये नस है और ऐसा नहीं है यानी यानी जिस हुक्म पर मुस्तम इस्तलाल कर रहा है वो हुक्म नज़म का मदलूल तो है नज़म की उस हुक्म पर दलालत तो हो रही है नज्म उस हुक्म पर दलालत कर तो रहा है मगर नज्म उस हुक्म के लिए लाया नहीं गया है नज़म से वो हुक्म मकसूद नहीं है तो ये बे बेशारतिन नस है ये इस्तिदलाल बे, बे इशारतिन नस है और ये हुक्म जो साबित है ये असाबित बे इशारत नस है और ये कलाम इशारतुन नस है मसलन मुस्तदिल का इस्तिदलाल करना इस बात के ऊपर कि मोमिनीन के, के अमाल पर कुफार का गलबा मोमिनीन की मिल्कियत के जवाल का सबब है इस बात पर मुस्तदिल का इस्तिदलाल करना किससे नज्म से कौन से नज्म अल्लाह तबारक के कौल आया। जमिन इबारतुल नसम किस में है उससे भी मुझे गुफ्तु नहीं करनी है। वरना आपको उलझन होगी तो इस नज़म में एक लफ्ज़ फोकर है जरा सा समात फरमाए। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वाले जो लोग मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए थे उनमें से बहुत से लोग मक्का में मक्ब मालो सर्वत मालदार थे मगर अल्लाह इज़्ज़त उन हिजरत करने वालों को फ़र्मातल्फ़ोरामहाजरिन फ़ोकरा फोकरा कहा फ़ोकरा फकीर की जमा है फकीर फ़क्र से बना है और फ़्र मिल्कियत के ख़त्म होने का नाम है जवाल मिल्क का नाम है माल से दूरी का नाम नहीं है मैं तफसील में नहीं जाता माल से दूरी का नाम नहीं है तो माल से दूरी का नाम नहीं है मिल्कियत के जवाल का नाम है तो मिल्कियत जायल कैसे हुई मिल्कियत मक्का में मक्ब मिल्कियत थे ये जायल कैसे हुई ज़ायल इसी तरीके से हुई कि कुफ़ार गालिब हुए तो अब इनकी मिल्कियत ना रही तो फोकरा का लफ्स जवाल मिल्क पर्दाल है तो जवाल मिल के महाजरीन ये फ़ोकरा का मदलूल है तो मुस्तदिल इसी बात के ऊपर नजम से इस्तलाल कर रहा फ़ोकरा के नज़म और लफ्ज़ और कलाम नज़म से और लफ्ज़ से इस्तलाल कर रहा है तो मुस्तदिल का इस्तलाल नजम से है और जिस बात पर इस्तलाल कर रहा वो नज़म का मदलूल है मुताबकी ना सही इल्तिजामी ही सही मगर है वो नज्म का मतलून तो जिस हो अपने पार जिस माना पर जिस मुराद पर मुस्तदिल इस्तदलाल कर रहा वो नज्म से इस्तदलाल कर रहा और जिस हुक्म पर इस्तदलाल कर रहा वो नज्म का मदलूल भी है नज्म का मदलूल भी है तो दो, दो बातें बात यह है कि मुस्तदिल का इस्तदलाल नजम से है किसके ऊपर हुक्म पर और जिस हुक्म पर नजम से इस्तदलाल है वो हुक्म नजम का मदलूल भी है मगर मगर नज्म इसके लिए लाया नहीं गया है तो अगर ऐसी सूरत हाल हो ऐसी सूरत हाल हो तो उस नज़्म को इशारतुल्नसात इशारतुलनस अद्दाल बशारत नस कहते हैं और ऐसे नजम से साबित होने वाले हुक्म को असाबित बेशारत नस कहते हैं और नज़म से इस तरह के हुक्म नजम से इस तरह के हुक्म पर यानी ऐसे हुक्म पर नजम से इस्तेदलाल करना कि वो हुक्म नजम का मदलूल तो है मगर नजम का मकसूद नहीं है ये इस्तेदलाल इस्तलाल बेअारती नस है तो बात ये चल रही थी कि चौथी तकसीम चार किस्मों में मुनहसिर है इसलिए के मुस्तदिल के लिए ख़ाली नहीं होगा कि मुस्तदिल या तो नज़म से इस्तदलाल कर रहा होगा या माना से इस्तदलाल कर रहा होगा अगर नज्म से इस्तदलाल कर रहा है एक नज़म से इस्तदलाल कर रहा है एक हुक्म पर और नज़म उस हुक्म के लिए लाया गया है तो ये इस्तदलाल बे इबारती नस है और अगर नज़म से इस्तदलाल कर रहा है एक हुक्म पर नजम से मुस्तदिल इस्तदलाल कर रहा है एक हुक्म पर और वो हुक्म नज़म का मदलूल तो है मगर मकसूद नहीं है यानी नज़म उस माना के लिए लाया नहीं गया तो तो ये बे बेशारत नस है और ये हुक्म अफाबित बे इबारत नस है और ये कलाम ये कलाम इशारतुन नस है बे बशारत नस है और अगर नज्म से इस्तलाल नहीं कर रहा मुस्तिल एक हुक्म पर एक माना पर मुस्दिल इस्तलाल कर रहा है मगर नज्म से इस्तलाल नहीं कर रहा है बल्कि माना से इस्तलाल कर रहा किससे इस्तलाल कर रहा माना से इस्तलाल कर रहा एक माना पर और हाल ये है के माना जिससे इस्तदलाल कर रहा है नज़ब से महज़ दानी की वजह से समझ में समझ में आ जाता है समझ में आ जाता है उस माना के समझ में आने के लिए मुश्त होने की शर्त नहीं है इस्तेमाल की सलाहियत की शर्त नहीं है बल्कि महज़ ज़बानदानी की शर्त है कि जो कोई ज़बान जानता है ज़बान जानने की वजह से ही उसे वो माना समझ में आ जाता है तो मुस्तिल माना से इस्तेदलाल कर रहा है किसी हुक्म पर और हाल ये है कि वो माना महज महज ज़बानदानी से समझ में आ जाता क्या सो इश्तिहाद के बग़ैर यानी कायसो मुश्त नहीं है फिर भी उसे वो माना समझ में आ जाता है तो जिस माना पर वो इस्तलाल कर रहा है ये असाबित बद नस है असाबित बद नस है मिसाल के तौर तो पे जिस माना पर इस्तलाल कर रहा वो हुक्म साबित ब नस है और वो नस क्या है नस है और इस्तिदलाल इस्तिदलाल पे दलालत नस है मिसाल के तौर तो पर मुस्तदिल का इस्तिदलाल करना इस बात के ऊपर के वालदान को मारना हराम है किसे इस बात के पर इस हुक्म पर इस्तलाल करना किसे वला तकुलुम उफ जिसका माना ये है कि कल में उफ़ कहना हराम है ये तो इबारत उन्नस्य तो है इसमें मैं गुफ्तु नहीं करूँगा वरना उलझन होगी तो कोई शख्स जो ज़बान जानता है नफ्स कलाम को सुन कर के ही वो समझ जाता है कि वला तकुलमा उफ वला तकुल्हमा उफ का लाजमी माना यहाँ पर मुराद है और वो ई और ईज़ा है यानी वालिदैन को किसी तरह की तकलीफ़ देना किसी तरीके से सताना ये हराम है ये इस नज़म का इल्तिज़ामी है मदलोल इल्तिज़ामी है अब इस माना से एक दूसरे माना पर इस्तिदलाल ये इस्तिदलाल बेदलत नस है और ये दूसरा माना जो हरमत जरब है हरमत ज़रब है ये दलालतु नस से साबित है और मुश्तहिद का अमल या इस्तिदलाल ये इस्तिदलाल इस बेदलतिन नस है तो गुफ्तगु तो ये थी कि मुस्तिल के लिए खाली नहीं होगा या तो वो नज़म से इस्तलाल कर रहा होगा या माना से इस्तलाल कर रहा नज़म से इस्तलाल कर रहा और हाल ये है कि नज़म उस माना के लिए लाया गया है तो ये इबारतुलनास है और नज़म उस माना के लिए नहीं लाया गया है तो इशारत नस है और अगर माना से इस्तदलाल कर रहा है और वो माना ज़बान दानी की वजह से समझ में आ जाता है तो ये ये वो माना है ये वो हुक्म है जो से साबित है और मुस्तदिल का ये इस्तदलाल ये वो इस्तदलाल है जो दलालत, नस से और है, है, जो दलालत नस से है और ये वो कलाम है जो ये वो कलाम है जो दलालत नस है ज़ात नस है तो अगर माना से इस्तेदलाल कर रहा है और माना नज़म से लुत के अतबार से ही समझ में आ जाता है उसमें की ज़रूरत नहीं है तो ये तो नस है और अगर ऐसा नहीं है बल्कि नज़म की सेहत या अकलन उस पर मौकूफ़ है तो वो इक्ताउ नस है तो वो इक्त नस है जैसे जैसे अल्लाह ताला त कौल अलैकुम उम्महातुकुम से इस्तिदलाल इस बात के ऊपर कि माँ से निकाह हराम है वरना तुम पर तुम्हारी माँ हराम है उनको देखना उनके पास बैठना उनसे बातें करना जाहिर सी बात है ये हराम नहीं है तो नज की सेहत ही इस तकदीर पर मौकूफ है और अगर उस पर मौकूफ़ ना हो तो वो इस्तला फासे, में से है इसकी तफसी इनशा आगे आएगी जब आपने इतनी बात समझ ली तो आप पर यह बात भी वाज़िर है कि मुसनफ़ की इबारत में तस्हाम है वो ये कि इस चौथी तकसीम से हासिल होने वाली किस्म में वो ज़ात इबारतुलनस ज़ात इशारतस ज़ दलालतस ज़ात इक्तज़ान्नास है न कि इसतलाल ब इबारतनसतदलाल बशारतनसतदलाल बद दलालतिनसतदलॉल बक्तज़ा नस ऐसा नहीं है ये इस्तलाल तो मुश्तद का फ़ैल है मगर इसी को किस्मों में से चौथी किस्म चौथी तकसीम के किस्मों में से करार दिया चौथी तकसीम जो किताब की है उसकी किस्मों में से मजाजन करार दिया इस्तिदलाल किस चीज़ का नाम है तो असर से जहन का असर से मौसर की तरफ मुंतकिल होना यह इस्तिदलाल है इसी तरीके से मुासिर से असर की तरफ मुंतकिल होना ये इस्तित है मसलन आपकी नजर धुए पर पड़ी तो आपने देखा धुएं को दूर से मसलन अब आपका जहन धुआं को देख करके आपका जहन के धुआं है तो आग है आपका जहन धुएं से आग के वजूद की तरफ गया और आपने कहा कि धुआं है तो आग है ये जहन का असर से मौसर की तरफ इंतकाल है ये इस्तदलाल है तो धुआं के वजूद से आग के वजूद पर इस्तदलाल ये इस्तदलाल है असर से मुआसिर पर यह इस्तेमाल किस पर हुआ असर से मुआसिर पर जहन का असर से मुआसिर की तरफ मुंतकिल होना ये है इस्तलाल इसी तरीके से मुआसिर से असर की तरफ जहन का मुंतकिल होना मसलन आपने आग आपकी नज़र आग पर पड़ी अब आपका जहन आग से धुएँ की तरफ मुंतकिल हुआ यानी आपने यूँ इसदल किया आग है तो धुआँ है तो ये जहन का इंतकाल मौसर से असर की तरफ हुआ यह भी इस्तलाल है तो आप समझ गए कि इसतलाल किसका नाम है जहन का असर से मौसर की तरफ जाना मुंतकिल होना या मौसर से असर की तरफ जाना ये इस्तलाल है अब यहाँ पर जो इस्तलाल नस है इस जगह इस्तलाल से क्या मुराद है मौसर से असर की तरफ जहन का मुंतकिल होना यहाँ इस्तलाल से ये मुराद है और ये जो बार बार नस का लफ्ज़ आ रहा है यहाँ इबारतुलनस इशारतुलनस तो नस से मुराद वो लफ्स जो माना पर दाल है नस से मुराद यहाँ पर वो नस नहीं है जो जाहिर के मुकाबले में है जो पिछली तकसीम में आप पढ़ चुके हैं बल्कि ये नस आम है कि ज़ाहिर हो नस हो या जाहिर हो या मुफसर हो या मोहकम हो या इसके सिवा कोई और हो बहरहाल इस चौथी तकसीम ये चौथी तकसीम जो किसकी तरफ है चौथी तकसीम किसकी तरफ है इसतदलाल बे नस वगैरह की तरफ है, की तरफ है? नस वग़ैरह की, की तरफ तो मैं वाज़े कर चुका हूँ कि नस जो बोल रहे हैं यानी नस वो हुक्म है नस यानी असाबित बे नस असाबित इबारत नस हुक्म है जिसके लिए वो हुक्म है जो कलाम का मदलूल हो और कलाम उसके लिए नज़्म उसके लिए लफ्ज़ उसके लिए चलाया गया हो कि उस कलाम से वही हुक्म मकसूद भी हो वही हुक्म मकसूद भी हो ये असाबित बबारतिन नस है असाबित बे इबारतनस है जैसा कि आप पिछले दरस में सुन चुके कि कि नस का इतलाक़ किस पर होता है असाबित बे इबारतिन नस पर भी यानी इबारतुलनस का भी उल बोलते हैं और उससे मुराद लेते हैं असाबित बे बबारतिन नस उसकी तारीफ गुजर चुकी और इबारत नस बोलते हैं और उससे क्या मुराद लेते हैं ज़ात इबारतुलनस नफ़ कल नाम नफ़ नसम तो इबारतनस तो वो नज़म है इबारतुलनास क्या है वो नज़म है जिससे वो नज़म है जिस नज़म से ऐसा हुक्म साबित हो जिस नजम से ऐसा हुक्म साबित हो कि वो नज़म उसी हुक्म के लिए लाया गया हो रहा इस्तिदलाल बेबार नस तो ये मुश्तिद ये मुश्तिद का अमल है किसका अमल है मुश्त का अमल है पिछले दरस में थोड़ी ज्यादा तशरी मुश्तहद का अमल है यानी मुश्त का अबारा से इस्तिदलाल ये इस्तिदलाल बे इबारत नस है फायदा वाज रहे कि कलाम की दलालत माना पर कलाम का माना को बताना नज्म का माना को बताना लफ्स की माना पर दलालत फ़ायदे की बात है तोज्जो से समाप्त फोन में तो कलाम की माना पर दलालत क्या कह रहा हूँ कलाम की माना पर दलालत लफ्स की माना पर दलालत बेतबार लफ्स बतबार नस्ब इसके तीन दर्जे हैं दलालतुल क़लाम, दलालतुलकामा बेतबार नज़्म, कलाम का माना को बताना बतबार नज़ बतबार लफ्स इसके तीन दर्जे हैं एक तो ये कि कलाम माना पर दलालत करे इस तौर पर कि वो माना उस कलाम से मकसूद असली हो कलाम माना पर दलालत करे कलाम माना को बताए इस तौर पर कि वह माना उस कलाम से मकसूद असली हो जैसे अदद अदद अल्लाह तबारक ताला के कौल फंगू माता बल्कुम मनसा मसना व सलास व जो पिछले दर्स में मैं तकरीर कर चुका हूँ और दूसरा दर्जा ये है कि वो माना कलाम का वो माना कलाम का मदनूल हो दलालत लफ् दलालत कलाम माना का दूसरा दर्जा ये है कि एक माना कलाम का मदलूल है एक माना पर कलाम की दलालत हो रही है दलालत कलाम अलमाना में एतबार नफ्स नज़्म कि एक माना पर कलाम की दलालत हो रही है एक माना कलाम का मदलूल है मगर उस कलाम से मकसूद नहीं है तो दूसरा दर्जा ये है कि एक माना कलाम का मदलूल तो है मगर वो माना उस कलाम से मकसूद असली नहीं है मकसूद असली तभी तो है मैं पिछले दस में बयान कर चुका हूँ मकसूद असली नहीं है जैसे इबाहत निकाह इसी आयत से कि निकाह मुबा है निकाह मुबा है ये इस कलाम हो माता बालकुम का मदलूल तो है मदलूल तो है मुतलकन इस कलाम की इसके इस कलाम के मुतलकन इस बात के ऊपर दलालत ज़रूर हो रही है तो इबाहते ने कहा इस कलाम फंग के हूँ माता बालकुम अलाया इस कलाम का मदलूल तो है मगर मकसूद असली नहीं है कि इस कलाम से इसालतन इसका कस्त नहीं किया गया है इसालतन इसका कस्त नहीं किया गया तो दलालत कलाम अलमाना का एक दूसरा दर्जा ये है कि के, के, के माना कलाम का मदलूल है मुतलकन कलाम उस माना पर दाल है तो माना मदलूल तो है मगर कलाम से वो माना मकसूद असली नहीं है ये दूसरा दर्जा दलालत अलमाना बतबारी नस्म का दूसरा दर्जा है। पहला दर्जा ये था कि माना कलाम का मदलूल भी है मकसूद भी है और दूसरा दर्जा ये है कि माना कलाम का मदलूल ज़रूर है मुतलकन कलाम उस माना पर दाल है मगर मकसूद असली नहीं है आपको शुभा ना हो कि इससे पहले तो आपने कहा था कि ये भी मकसूद है समझने मैं ये कह रहा हूँ पहले कहा था कि वो मक, ये माना भी है कहा भी मकसूद है मगर मकसूद असली नहीं कहा था यहाँ मकसूद असली की बात कर रहा हूँ इसलिए ये बात और उस बात को मिक्स नहीं कीजिएगा तो दलालत कलाम अललमाना बतबारी नफ्स नज्म कलाम की दलालत माना पर नजम के एतिबार से कलाम का माना को नज्म के एतबार से बताना इसके तीन दर्जे हैं एक तो ये कि एक एक माना एक माना कलाम का मदलूल भी है मकसूद भी ये पहला दर्जा मकसूद भी है नहीं मकसूद असली भी है और दूसरा दर्जा ये कि एक माना एक माना कलाम का मदलूल है मगर कलाम से मकसूद असली नहीं है ये भीद अलालत कलाम अलमाना बतबारी नज़्म का एक दर्जा है तीसरा दर्जा दलालत कलम अलमाना बतबारी नज़म का तीसरा दर्जा यह है कि कलाम माना पर दलालत करे यानी माना कलाम का मदलूल है कहते हैं तीसरा दर्जा यह है कि कलाम माना पर दलालत करे मगर वो माना लफ्स के मदलूल के लवाजिम में से है वो माना लफ्ज़ के मदलूल के लवाजिम में से है जैसे बल्ब का इंतफा नबी करीम सलील व कौल इन न सोहते समा अलकल्ब अलहदीस तो पहला माना जो आपने समात फरमाया कतई तौर पे कलाम उसके लिए लाया गया है फन के हूँ बयान आदत के लिए लाया गया है तो पहला माना के लिए कलाम कतअ अन लाया गया है और तीसरा माना के लिए कलाम कतई तौर पे नहीं लाया गया और दूसरा दर्जा का हाल ये है कि मिन उसके लिए लाया गया है मिन उसके लिए लाया गया है इसीलिए इससे पहले वाले दरस में मैं कहा था कलाम के किसी माना के लिए लाए जाने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि कलाम की उस माना पर मुतलकन दलालत हो चुनैचे इबाहत निकाह भी फ़न के उसे नस के तौर पर साबित और बयान अदद भी नस के तौर पर साबित तफसील पिछले दरस में देखिए और दूसरा वो माना है कि कलाम उसके लिए मिन लाया भी गया है और वो ये कि मतकलम ने उस कलाम के तलफ़ का कष्ट किया उसके माना के अफादा के लिए और मिन नहीं भी लाया गया है कि वो उस कलाम का मकसूद असली नहीं है जब आपने इतनी बात समझ ली तो आगे ये भी समझिए जो मैं पीछे बोल चुका हूँ कि कलाम के किसी माना के लिए लाए जाने का मतलब ये है कि उस माना पर कलाम दलालत करे चाहे वो माना कलाम से मकसूद असली हो या मकसूद असली ना हो तो अब जाहिर सी बात है इसमें इसमें जाहिर भी दाखिल है और नस भी दाखिल है जो जाहिर और नस मा सबक में आप पढ़ चुके हैं तो ये तो नस की वजाहत थी इशारा नस इस दूसरी तकसीम में दूसरी किस्म इशारा है इशारत नस इशारतुन नस यानी इशारत नस से साबित होने वाला हुक्म उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ नफ्स इशारा ज़ात नस ये कलाम है और इशारत नस से इस्तिदलाल इस्तिदलाल बे इशारत नस है एक पहले पर बाकी सबको समझिए और इशारत नस से साबित होने वाला हुक्म ये वो हुक्म है जो नस लफ्ज से ही साबित है तो, इशारत तो नस से साबित होने वाला हुक्म वो हुक्म जो इशारत तो नस से साबित, ये वो हुक्म है जो नज्म लफ्ज़ से साबित है इबारा के मानंद कि दोनों ही नज्म से साबित है मगर ये कि नस से साबित होने वाला हुक्म ये हुक्म है कि कलाम इसके लिए लाया नहीं गया है कलाम इसके लिए लाया नहीं गया है लिल फुकरा से इस्तलाल करना जवाल मिल्कियत पर जवाल मिल्कियत पर तफसील बयान कर चुका हूँ मगर ज़ाहिर सी बात है कि कलाम इसके लिए लाया नहीं गया है बल्कि ये कलाम इस बात को बताने के लिए लाया गया है के हमुस के मुस्तकिन कौन कौन हैं? इसकी मिसाल इबारा और इशारा की मिसाल आप महसूसत में यूँ समझ सकते हैं कि कई बार एक आदमी किसी की तरफ नज़र डालता है एक आदमी किसी पर नज़र डालता है उसको देखने के इरादे से तो कई बार एक आदमी किसी के ऊपर नज़र डालता है क्यों नज़र डालता है उस आदमी को देखने देखने के इरादे से नज़र डालता है मगर ऐसा भी होता है कि उसके दाएं और बाएं पर भी उसकी नज़र पड़ जाती है और दाएं और बाएं के भी उसकी नज़र में तस्वीर आ जाती है तस्वीर आ जाती है तो तो नज़र दोनों पर पड़ी दिखा दोनों मगर एक मंजूर नज़र है एक गैर मंजूर नज़र है एक नज़र से मकसूद है और एक नज़र से मकसूद नहीं है यही हाथ एबारा और इशारा का है तो महसूसात में इसकी मिसाल यूँ समझ सकते हैं कि एक आदमी किसी को देखने के इरादे से देखता है इसके बावजूद दाएं बाएं क़रीबी शख़्स पर भी उसकी नज़र पड़ जाती है उसकी तरफ तोज् किए बगैर तो अव्वल से साबित के दर्जे में है और फ़ानी से साबित के दर्जे में है जैसे अल्लाह ताला के कौल लफ़रा महाजरीन में कि अल्लाह ताला का ये कौल मशारफ़मस को बयान करने के लिए लाया गया है इस आयत का हासिल ये है कि ख़मुश उन फ़क्राय महाजरीन के लिए है जो अपने घरों से निकाले गए और इस कलाम में अल्लाह ताला के इस कलाम में इशारा है कि उनकी मिल्कियत कुफ़ार की उनकी मिलकियत ख़त्म हो गई और उनकी मिल्कियत ज़ायल हो गई कुफ़ार की तरफ इसलिए कि अल्लाह इज़्ज़त ने उनको मालदार होने के बावजूद बावजूद इसके कि वो मालदार थे मालदार थे मिल्कियत वाले थे अल्लाह इज़्ज़त ने उनको फोकरा कहा जैसा कि अल्लाह इज़्ज़त फरमाता है लिलफ़रा लज़ीन उखर मिन यारहम व अम फ़करा फरमाया और हकीकत फकर मिलकियत के जवाल का नाम है माल से दूरी का नाम नहीं है इसी वजह से तो मुसाफिर माल से दूर होने के बावजूद गनी होता है उस पर जकात वाजिब होती तो इससे ये बात साबित हुई कि महाजरीन की मिलकियत उनके मालों में से ख़त्म हो गई कुफार के उनके माल पर गालिब आने की वजह से